लेनिन और अक्टूबर क्रांति। इस बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमजोर होने के कारण वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को जमीन दिलवाएगा, इसलिए सोवियत, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता हथिया लेना चाहिए और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरू में मजदूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार की कमजोरियां उजागर हुई तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था, तो वे बोल्शेविक के विचारों को अपनाने लगे। अक्टूबर 1917, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रागार्ड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे रूस के सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और दो महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला, शांति संबंधित ऐलान, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई, और दूसरा, जमीन संबंधित ऐलान, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन वितरण का निर्णय था। हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। दूसरी ओर कारखानों में मजदूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागीदारी दी गई। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले। इसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि जारशाही के तहत जो भी राष्ट्र रूसी साम्राज्य द्वारा दबाए गए थे, वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिनलैंड, लटेविया, एस्टोनिया, यूक्रेन जैसे देश इस प्रकार स्वतंत्र हुए। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता करके युद्ध समाप्त किया, लेकिन इस संधि के द्वारा रूस को बहुत अधिक जमीन जर्मनी को देनी पड़ी। सन 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबराई हुई थी, लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे, अब रूस के साथ हो लिए और USSR, सोवियत समाजवादी देशों का संघ की स्थापना हुई। स्टालिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाली और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। औद्योगिकरण। क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई। अब उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की चुनौती थी। युद्ध क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई। कृषि का सामूहिकरण। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं, ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने और जोर ज़बरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही।
1937 के बाद कृषि का तेजी से विकास हुआ और वह औद्योगीकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेजी से बढ़ा सका। 1929 से 1932 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ, निरक्षरता में भारी कमी आई और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें विषयों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादक कार्य पर भी जोर दिया गया। रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूंजीवादी थे रूस के विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते रहे, लेकिन इसके बावजूद सोवियत रूस अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा। सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। दूर दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले को इससे प्रेरणा मिली और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे।